और मीडिया को क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, ये आप सुनिए। सवाल करना तो मैं तैयार हूँ, सवाल देने के जवाब देने के लिए। अच्छा, हमसे सिंपल मिल जाएगा कोई? हमसे सिंपल मिल जाएगा? आराम से बैठ के पूछो ना, क्यों घबरा रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? तो जिस तरह से आप सुन रहे थे कि मीडिया पर खासतौर पर वो बरसे अखिलेश यादव, और साफ तौर पर वो कह रहे थे कि मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। आखिर क्या कुछ कहना है? सफाई महोत्सव पर अखिलेश की पहली बार सफाई सामने आई है। और बीएसपी नेता सुधेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधेंद्र जी, क्या कहेंगे आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हर साल ऐसा होता है और इस बार भी अगर ये जश्न मनाया गया तो उसमें गलत क्या है? हर साल जब जश्न मनाया जाता है या उत्सव मनाया जाता है, होली दिवाली भी मनाई जाती है, और परिवार में कोई ऐसी गंभीर घटना घट जाए जिसमें परिवार के लोगों का केवल निर्णय, यहाँ तो इतना जघन्य अपराध और इतने बड़े पैमाने पे हत्याएं हुई, इतने बच्चे, दर्जनों बच्चे ठिठुर के मर गए, और एक निर्भया कांड हुआ तो लोगों ने नया साल नहीं मनाया, क्रिसमस नहीं मनाया। इस तरह का उत्सव मनाना, नाच गाने करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक था और इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर कतई कोई अफसोस नहीं है, और उनको मैं समझता हूँ शर्मिंदगी होनी चाहिए इस तरह के बयान पर। सुधेंद्र जी, खास करके जहाँ पर मुलायम सिंह का नाम आता है, समाज से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, समाजवाद की परिभाषा हमेशा कहते और सुनाते रहे हैं, ऐसे में उनके बेटे की तरफ से इस तरह का जश्न किया जाना, नेतृत्व खुद मुलायम सिंह का, तमाम मंत्री मौजूद, इतने खर्च किए जाने को कौन जस्टिफाई एक तरह से कर सकता है? देखिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता और न कोई कर सकता है, कोई संजीदा व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि इन्होंने खुद इस तरह के एक उत्सव को मनाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि उनको आम जनता की परवाह नहीं है, उनके दुख और तकलीफ की परवाह नहीं है, और वो चाहे कितनी भी परेशानी में रहे, उस पर सफाई भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गई है। रीता जी, आप क्या कहेंगी, जिस तरह का जश्न सैफई में मनाया गया और दूसरी तरफ सबके सामने तस्वीरें हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित किस हाल में है? देखिए, जो मैंने अभी सुना है आप लोगों से कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने दोनों बातों को, जो हमारे मंत्री और विधायक विदेश गए हैं और जो सिफाई का महोत्सव है उसके पक्ष में बोला है, अपना मत रखा है। देखिए, एक तकनीकी ढंग से हो सकता है जो कुछ उन्होंने कहा है सही है, उनकी सरकार है, उनका सरकार तय करती है कि उसे क्या कार्यक्रम करना है, लेकिन राजनीति में शासित पार्टी सरकार कैसे काम कर रही है और जो जनप्रतिनिधि है उनका रवैया क्या है, उसका एक असर पड़ता है जनता के ऊपर, और इस समय इन दोनों ही कार्यों ने जनता के मन को घात पहुंचाया है। लोग बेहद नाराज हैं और इसका सरकार की छवि और मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि भी इसमें गिरी है। तो प्रश्न ये है कि जब पूरा प्रदेश, बिल्कुल रीता जी आप जो कह रही है सही है, यही सवाल सबके मन में भी है, लेकिन पहली बार जब अखिलेश यादव ने सफाई दिया तो उनकी सफाई से क्या आप संतुष्ट हैं? ऊपर से वो मीडिया पे बरस पड़े और उन्होंने कहा कि भाई हर साल इतने खर्चे होते हैं, इस बार अगर जश्न हो गया और 7 से 8 करोड़ खर्च हो गए तो इतने सवाल क्यों? नहीं, मुझे कष्ट हुआ इस तरह का उनका प्रहार बड़ा अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि वो एक युवा नेता हैं, जनता की उनसे आकांक्षाएं थी, और अगर जनता के मत में उनने एक कार्य संवेदनहीनता, उनका एक कार्य संवेदनहीनता दिखाता है, और अगर जनता इसको नापसंद करती है तो उन्हें अपने ऊपर विचार करना चाहिए बनिस्पत इसके कि वो दूसरों के ऊपर प्रहार करें, खासतौर से मीडिया पर। मीडिया ने जो दिखाया वो तो सच था, आप इतने करोड़ रुपए का व्यय हुआ, इतना असंवेदनशील पूरा पूरा कार्यक्रम रहा, 100 किलोमीटर दूर लोग भूख से प्यासे से मर रहे हैं, अभी लोगों के दिलों पर जो घाव पड़ा है उस पूरे दंगे का वो खत्म नहीं हुआ है, भरा नहीं है, ऐसे पूरा उत्तर प्रदेश में शीतलहरी चल रही है, सब हमारे मंत्री गायब हो जाएं,
14 दिन तक वो इस तरह के महोत्सव में भी। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से अखिलेश यादव सामने आए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सवाल उठ रहे थे। सिद्धार्थ जी से हम बात करेंगे, लेकिन रीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रीता बहुगुणा जोशी। 17 महीने हुए हैं रीता जी, और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, और जिस तरह से एक युवा चेहरा है और काफ़ी कुछ करने और कर गुजरने की चाहत उन्होंने चुनाव से पहले बताया था और जीत कर भी आया, लोगों ने जिताया भी, लेकिन अब इस तरह के जवाब, इस तरह की प्रतिक्रिया उनका देना, कहाँ तक सही समझती हैं आप? रीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? रीता जी से संपर्क हमारा टूट गया है, तो हम आपको बता दें कि जाहिर सी बात है तमाम जितनी भी विपक्षी, यहाँ विपक्षी पार्टियों की बात नहीं है, जिस तरह से अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया है, मीडिया पर ही उल्टा उन्होंने हमला किया है, जबकि ये बताया जा रहा है कि पैसे की कमी है, वित्तीय खर्चे में इन्होंने कमी बताई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके बाद से 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च करना है ऐसे जश्न में। और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ जिस तरह से दंगा पीड़ितों का हाल है, 40 बच्चे पिछले दिनों मर गए हैं ठंड से, हालत बुरी है, कंबल नहीं है, 18 कैंप अब बचे हैं, जबकि उस कैंपों में रहने के लिए 15,000 लोग अभी हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण ही इसे कहा जाएगा।